यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज और मैं हूं आपके साथ चीनम शर्मा। एक और जहां बीजेपी अभी से मिशन 2019 में जुट चुकी है, तो वहीं कर्नाटक में राज्यपाल के न्योता देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर अपनी 2019 की तैयारी शुरू कर दी है। कर्नाटक में कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण में विपक्ष की एकता भी देखने को मिली। जहां यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती एक मंच पर नजर आए, तो वहीं उनके साथ अजीत सिंह भी वहां पर पहुंचे। इसके अलावा ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी, शरद पवार समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। और एक और जहां पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के अकेले स्टार प्रचारक बनकर हर जगह घूमकर बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की एकजुटता के बाद अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या राजनेताओं ने अभी से 2019 की तैयारी शुरू कर दी है। 2019 में जनता के सामने शायद दो ही विकल्प होंगे, एक बीजेपी तो दूसरा सभी विपक्षी दलों का महागठबंधन। ऐसे में हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप 2019 में किसे पीएम देखना चाहेंगे? क्या आप फिर से नरेंद्र मोदी को ही पीएम देखना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी को, या आप किसी तीसरे अन्य नेता को पीएम के रूप में देखना चाहेंगे? तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो राजनेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है, इसी को लेकर अब बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। तो आज के बड़े सवाल आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर आप भी हमें राय दे सकते हैं। राजनेताओं ने 2019 की तैयारी शुरू कर दी है, ये आज के बड़े सवाल हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 2019 में आप किसे पीएम देखना चाहते हैं, ये आज के बड़े सवाल हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि 2019 में आप किसे पीएम देखना चाहते हैं और 2019 में आप किसे चुनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को या फिर राहुल गांधी को, या कोई तीसरा नेता आपके अनुसार पीएम बनना चाहिए, ये आज के बड़े सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और मोदी सरकार की कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? साथ ही राजनेताओं ने 2019 की तैयारी शुरू कर दी है, इसी के चलते बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी, और साथ में बाकी की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी एकजुट होकर महागठबंधन की तैयारी भी कर रही हैं। कर्नाटक में देखा जा सकता है किस तरीके से मायावती, अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टियां एक ही मंच पर एकजुट होती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा मोर्चा उनकी तरफ से खोला गया, लेकिन बावजूद इसके मोदी खुद ही स्टार प्रचारक बनकर हर जगह पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर सुनीता अंबाला से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनीता, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, जी सुनीता, मोदी साहब को कोई भी प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहता नेक्स्ट 2019 में? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो उनका कहना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल से वो खुश नहीं है, जिसके चलते वो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से पीएम बने। जमशेदपुर से अगले कॉलर बबलू फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। बबलू, अपनी राय दीजिए। प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी, अगला चुनाव में भी उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए जी। ये मेरा राय है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो उनका कहना है कि वो उनके कार्यकाल से खुश नजर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि अगली बार भी 2019 में भी पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बने। गुरुग्राम से केके शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, मैं जेके शर्मा बोल रहा हूँ जी। हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ही देखना चाहते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो उनका कहना है कि पीएम मोदी ही बनने चाहिए अगली बार फिर से प्रधानमंत्री। तो विपक्षी पार्टियां जितना जोर लगा रही हैं, कहीं ना कहीं नाकाम भी साबित हो रही हैं, क्योंकि लोगों में अभी भी विश्वास पीएम नरेंद्र मोदी में देखने को मिल रहा है और लोगों का अभी भी यही मानना है कि आने वाले वक्त में दोबारा से वो पीएम बने। महाराष्ट्र से अश्विनी जोशी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, अपनी राय दीजिए।
जी अश्विनी, अश्विनी आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है संपर्क यहां पर टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए खुला है। आप भी अपनी आवाज को देश की आवाज बना सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या आप चाहते हैं 2019 में दोबारा से पीएम नरेंद्र मोदी ही पीएम बने या फिर किसी और नेता को आप पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। हिमाचल से सुशील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील अपनी राय दीजिए। हेलो जी सुशील, अपनी राय दीजिए। हाँ, 2019 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए जी। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो उनका कहना है कि 2019 में भी पीएम नरेंद्र मोदी को ही दोबारा से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यूपी से ज्योत्सन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्योत्सन अपनी राय दीजिए। हम भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई की मार हो गई है, पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जी, जनता बेहाल हो चुकी है, हम मोदी जी के लिए दोबारा नहीं जाते जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं इस कार्यकाल से नाखुश हैं, जिसके चलते अब नहीं चाहते वो कि दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने। गुरुग्राम से सोमनाथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोमनाथ अपनी राय दीजिए। हम दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं जी, क्योंकि इसने विदेशों में इतना नाम कमाया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कार्य नहीं किया है, हम इस कार्यकाल से बहुत खुश हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो उनका कहना है कि विदेश यात्रा जो करते हैं, हालांकि विपक्ष की तरफ से पलटवार भी किया जाता है इसी चीज को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि विदेश यात्रा पर जाते हैं, विदेश में भारत का काफी नाम हो गया है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आगे भी वही प्रधानमंत्री बने। एमपी से प्रकाश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। प्रकाश राय दीजिए अपनी। प्रकाश आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है संपर्क यहां पर टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और आप भी हमें बता सकते हैं कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही पीएम बनना चाहिए या फिर राहुल गांधी को, या फिर कोई तीसरा नेता आपके मन में है जिसे आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अगले कॉलर नरेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश अपनी राय दीजिए। हाँ जी जी, अपनी राय पार्टी है, लग रहा राहुल गांधी बैठा कह जाओ, पार्टी पुरानी है जी, पार्टी पुरानी है इसलिए राहुल गांधी है जी। नरेश हाँ, मोदी के खिलाफ है जी, राहुल गांधी है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो मोदी सरकार के खिलाफ हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं मोदी के कार्यकाल से, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए। 2019 में आप किसे पीएम देखना चाहते हैं, आप भी हमें बता सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए खुला है। आप भी हमें बता सकते हैं कि आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या कोई तीसरा नेता आपके मन में है। हिसार से जगदीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगदीश स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। हेलो, अपनी राय ये है जी, हम राहुल गांधी को आगे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो उनका कहना है कि राहुल गांधी अगले पीएम होने चाहिए। असंत से रमेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, जो हमारे प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है जी, जो वो वादे सत्य करके आए थे जी, वो आज तक एक भी वादा इस सरकार में पूरा नहीं हुआ जी। इतनी झूठ बोल बोल के लोगों को बहकाया। मैं ये चाहता हूँ भी हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री बने, जुमलेबाज ना बने जी। एक जो बात कहे वो बात पूरी करने वाला होते है, किसी भी पार्टी का हो। बीजेपी सरकार ने जो वायदे किए थे, मेरे हिसाब से आज जो कांग्रेस कर रही थी, जो इससे पहले सत्ताहीन सरकार थी, जिन चीजों का जो वो कर रही थी, उन चीजों का ये विरोध करते थे ये लोग, आज उन्हीं चीजों को ये उनसे भी ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू इस देश में किया जा रहा है। और मतलब उन्हीं बातों को लेकर सरकार बनी थी। मैं चाहता हूँ भी कोई ऐसे
प्रधानमंत्री बने मेरे देश का, जो झूठ ना बोले, जो सच्चाई जो कहे वो करे जी, मेरी ये राय है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। अंबाला से अंशु फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अंशु स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। हम बीजेपी सरकार को कट ऑफ करना चाहते हैं बिकॉज इनको नहीं आता कि हाँ सरकार काम कैसे करती है जी। ये सिर्फ घूमना जानते हैं, सिर्फ विदेशी यात्रा करना जानते हैं और कुछ नहीं आता इनको, इनको नहीं पता सरकार कैसे चलती है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिरसा से कुलदीप फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप अपनी राय दीजिए। मैडम सेंटर में नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं जी, अच्छा कार्यकाल किया है, बहुत अच्छा आम बच्चे जीवन अच्छा चल रहा है आम छोटे जिम्मेदार का। चलिए अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो 2019 में आप किसे पीएम देखना चाहते हैं, आप भी हमें बता सकते हैं आपकी क्या राय है और प्रधानमंत्री मोदी को आप दोबारा से 2019 में देखना चाहते हैं या फिर नहीं। क्या आपके मन में कोई तीसरा नेता है, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर इसके अलावा कोई तीसरा नेता आपके मन में है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि आप किसे प्रधानमंत्री बनते हुए 2019 में देखना चाहते हैं। राजनेताओं ने 2019 की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश से प्रकाश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। हम मध्य प्रदेश से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं, उनका कार्यकाल ठीक रहा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो उनका कहना है कि दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पीएम बनने चाहिए, तो जनता में विश्वास भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि दोबारा से पीएम मोदी ही बनने चाहिए, उनके कार्यकाल से हम काफी खुश हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खिलाफ हैं मोदी सरकार के, जो नहीं चाहते कि दोबारा से पीएम मोदी बने। बिहार से अगले दर्शक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए और अपनी राय दीजिए जी, अपनी राय दीजिए। हेलो जी, अपनी राय दीजिए जी। कांग्रेस को सरकार बनानी चाहिए बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार अब सत्ता में आनी चाहिए, बीजेपी के बाद अब सत्ता में कांग्रेस की सरकार 2019 में आनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है और आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आम जनता की राय जानना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड से डीएस फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। मैडम अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए, समथिंग फॉर बेटर देन अदर देन। 10 साल तक प्रधानमंत्री मोदी को ही रहना चाहिए देश के अंदर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो उनका कहना है कि दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मौका मिलना चाहिए और वही दोबारा से देश के पीएम बनने चाहिए। गुरुग्राम से तिलकराज फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तिलकराज अपनी राय दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ विदेशों में जाते हैं जी, इससे पहले हमें विदेशों में जानता ही कौन था जी, ये जानने लगे हैं तभी हमें लोग जानने लगे, नहीं तो हमें तो इज्जत ही क्या थी विदेशों में जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो उनका कहना है कि विदेशों में भारत की पहचान नरेंद्र मोदी ने बनाई है, जिस वजह से वो काफी पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी को। बागपत से पवन कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पवन अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि 2019 में भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए जी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उनका कहना है कि दोबारा से पीएम मोदी आने चाहिए। बनारस से चिंटू फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। जी चिंटू बात रखिए अपनी। हाँ जी जी, नहीं दोबारा पीएम मोदी नहीं आना चाहिए जी, दोबारा तो पीएम मोदी नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं बनारस से, जब से जी, तब से यहाँ बनारस की स्थिति इतना खराब है कि यहाँ पर समझ लीजिए जब से टोटो बनाना चाहते रहे, यहाँ पर टोटो नगर बना दिए हैं। बनारस के जनता को चलने में इतना दिक्कत होता है कि इतनी बुरी स्थिति बना से करती है, हमारे हिसाब से मोदी दोबारा नहीं आना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक मोहम्मद फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी।
मोहम्मद आवाज मिल पा रही है आपको? जी सर, मोहम्मद कलीम खान बोल रहे हैं सर। जी अपनी राय दीजिए। जी, आपकी कांग्रेस सरकार बननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में इतनी महंगाई जितनी ये लोग कर दिए हैं इतनी नहीं थी जी। और ये झूठ बोल के जो है सत्ता में आ गए हैं, और उसी को जो है हम लोग चाहते हैं कांग्रेस फिर से आए, फिर से बाहर ले जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो उनका कहना है कि पहले इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब मोदी सरकार में हो गई है। हिमाचल से सुरेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। मैं हिमाचल से सुरेश पनियाली बोल रहा हूँ जी, जी। और हम चाहते हैं कि जी, मैं सुरेश पनियाली बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से जी। और हम चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर एक भारतवर्ष का नाम है जी। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से है, और दूसरे छुटपुटे नेता जो आजकल कुकुर मुत्तों की तरह निकल रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं और नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना है अगली बार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2019 में आप किसे चुनेंगे, मोदी को या फिर राहुल को, या फिर इसके अलावा कोई तीसरा नेता आपके मन में है जिसे आप चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, तब भी आप हमें बता सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कॉल करके आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देश की आवाज का मंच आप ही के लिए खुला है। लखनऊ से राजीव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। सर मुझे प्रधानमंत्री पीएम मोदी चाहिए, महंगाई बहुत कम हुई है, तेल पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ा हुआ कच्चे तेलों कच्चे चीज की वजह से जी। दूसरी बार नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो मिली जुली राय लोगों की देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र से रवीश फोन लाइन पर जुड़ गए, रवीश राय दीजिए अपनी। रवि शिंदे राय दीजिए अपनी। मेरी राय है कि नरेंद्र मोदी और फिर से आना चाहिए जी। रवि शिंदे आप अपने टीवी के वॉल्यूम प्लीज थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि लोग भी आपकी आवाज को सुन पाए। रवि शिंदे राय दीजिए अपनी। अगले दर्शक रवि रेवाड़ी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि अपनी राय दीजिए। हेलो, रवि राय दीजिए अपनी। मैडम मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होने चाहिए, ये कहना था अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। और मोदी सरकार के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं आप भी हमें बता सकते हैं। लखनऊ से नरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे जी, 100% उसमें कोई डाउट नहीं है जी। क्योंकि ये सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं जी, और चोरों को देश चुनने वाला नहीं है जी। अगर आज भारत का गौरव अगर किसी ने ऊंचा किया है जी, तो केवल नरेंद्र मोदी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो मोदी सरकार के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं आप भी हमें बता सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और राजनेताओं ने 2019 की तैयारी शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में कौन पीएम बनना चाहिए, और मोदी और राहुल में से आप किसे चुनेंगे, या फिर कोई तीसरा नेता आपके मन में है तो भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि देश की आवाज का मंच आप ही के लिए खुला है। हरियाणा से जग्गा सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जग्गा सिंह स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। अरे ठीक है, इस टाइम मतलब ऐसे में राहुल गांधी जाएंगी जी। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। 2019 में आप किसे पीएम देखना चाहते हैं आप भी हमें बता सकते हैं। तो आप किसे चुनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी या फिर राहुल गांधी, या फिर कोई तीसरा नेता आपके मन में है तो भी आप हमें बता सकते हैं। जिस पंचकुला से राम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम सिंह राय दीजिए अपनी। जी राय दीजिए अपनी। तो लगता है संपर्क यहां पर टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं और आप भी अपनी आवाज को देश की आवाज बना सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि आप किसे पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, और अभी मोदी सरकार के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं। 2019
में आप किसे पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, ये आज के बड़े सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप भी हमें बता सकते हैं कि आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि राजनेताओं ने तो 2019 की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। अगले दर्शक पवन ठाकुर हिमाचल से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, अपनी राय दीजिए। मैं अगले प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को ही बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी स्वच्छ छवि है और देश विदेशों में इन्होंने अपना नाम कमाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। गाजियाबाद से सरोज फोन लाइन पर जुड़ गई है। सरोज, अपनी राय दीजिए। सरोज, राय दीजिए अपनी। तो लगता है संपर्क यहां पर टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। और 2019 में आप किसे पीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि तैयारी जो है वो शुरू कर चुके हैं राजनेता। पीएम मोदी की बात कर ली जाए, विपक्षी पार्टियों की बात कर ली जाए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, किसी की भी बात कर ली जाए, सभी ने 2019 की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार उनकी ओर से किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में हर कोई सत्ता में आना चाहता है। विकास इलाहाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, अपनी राय दीजिए। विकास, राय दीजिए अपनी। हेलो जी विकास, रखिए अपनी बात। मैं 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो वो भी चाहते हैं कि पीएम फिर से मोदी ही बने। करनाल से सोनू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू, स्वागत है आपका, राय दीजिए अपनी। हाँ जी मैडम, सत श्रीकाल जी। जी सत श्रीकाल। हाँ जी मैडम, इस तरह जी थोड़ी देर पहले न्यूज दसा इन्होंने जोड़े साडे प्रधानमंत्री जी ने इन्होंने जोड़े लोगों को मुद्रा लोन दिते ने, उनका MPA जोड़ा है 14,000 करोड़ रुपया हो गया है जी। और यह कहना ने अपा लोगों को बड़े रोजगार दिते ने जी, आप बहुत काम किया। जे किसी ने रोजगार दिता है तो किसी गरीब बंदे कोई काम भी दे ना, खाली भाषण थोड़ी गल चलेगी। भावे प्रधानमंत्री कोई बने, आप कहने भी कोई गरीब बंदे नूं रोटी आराम नाल मिलनी चाहिए हैगी है। ऐने भी तुसीं उहनां दा काम करके तुसीं मुद्रा लोन दिते ने, फलाने दिते ने, कोई काम करके दिखाओ तां ही ते पता लगूगा। ऐने थोड़ी पता लग जूगा भी इह काम करदे ते हैगे ने वधिया। इहदे फोटो विखाउण नूं खिचाउण नूं बहुत शौक है इहनां नूं प्रधानमंत्रियां नूं, साडी फोटोआं बहुत वधिया आण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं नाखुश भी नजर आ रहे हैं कुछ लोग, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनका कार्यकाल में वो खुश नहीं है। तो आज हमने राय ली कि आने वाले वक्त में 2019 में आप किसे पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी और हर कोई चाहता था कि उनका जो फेवरेट नेता है, उनका मनपसंद नेता ही पीएम बने आने वाले वक्त में। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से 2019 में आए, 10 साल की सरकार बनाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर मौसम के हाल पर, देखिए वेदर रिपोर्ट।